एक आज थोड़ा सा मुझे को पाया हुआ था रिफा वालों ने। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। आज उनका पेपर था रिफा वालों का, थोड़ा सा उधर बिजी था मैं ना, उनके बच्चों को मतलब बता रहा था। अच्छा भी इसका कौन सा कर रहे थे हम? सर मुझे आइडिया नहीं, भी मैंने निशान लगाए थे, 5 शब्द शुरू नहीं किया, इन किसी और से पूछने में बच्चे। हमने 3 कर लिए थे इसके क्वेश्चन, है ना, चौथा शुरू करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4th स्टार्ट करना था मेरे, जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। हाँ भी आइडिया है किसी को कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है? सर वो मेरे पास निशान ही लगे, अभी किसी और से पूछें, कौन सा वाला? जिन्होंने परसों क्लास ली थी उनको आइडिया है। मेरे पास अभी बुक नहीं है, मतलब कि 5 चैप्टर शुरू नहीं किया अभी मैंने। नहीं, वैसे मैंने तीसरा खत्म कर दिया था, ये तीसरा चैप्टर है ना, और तीसरा चैप्टर कह रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन खत्म खत्म कर दिया था। नेक्स्ट हमने चौथा शुरू करना था, चौथे में देखो कौन कौन सा करना देखता है। सिलेबस ये मैंने खोलूँ फिर मोबाइल से? हाँ, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड। फाइव पॉइंट टू की 5.1 है, 5.1 ही अभी चल रही है ना। 5.1। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट है। वो तो हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd भी हो गया है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर फोर्थ दे। का सेक्शन, फोर्थ का सेकंड, दूसरा, पांचवा, छठा है। दूसरा, पांचवा और छठा है, ठीक हो गया। उससे पहले थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा सा हमें देखना है, अभी तक का ना हमने देखे थे सिंपल रीजन देखे थे इनके, थोड़ा सा उससे पहले ये देखते हैं हम कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देखोगे पेज नंबर 234 पे है, 234 सफा नंबर पे ना बुक में। अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। आपको कल भी बताया था, जहां इनकी, कल आपको बता रहा था जब हमने सवाल किया था ना, जहां पे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। ये काफी दफा ऐसे आ चुका है पेपर में ना, कॉर्नर पॉइंट का अदर नेम क्या होता है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये चैप्टर हो तो गया हो गए। है, वो पहले सर ने करा दिया था ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं समझा अपनी आप रिवीजन करा, इसलिए मैं बोला नहीं। चले, अब दो एक्सरसाइज रह गई हैं पीछे, एक दफा कर बस लेते हैं। यही दो हुई दो दिन लगने हैं बस इस पे है, ना, 2 दिन लगने हैं बस। यही। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है लाजमी, आपको पता है, ओवरव्यू कर लेते हैं ना इनका। 3-4 दिन वैसे ही रह गए, फिर छुट्टियां हो जानी। किससे छुट्टियां किस बात की? किस चलो 25 तक है बस, छुट्टियां यानी ऑनलाइन क्लासेस भी खत्म हो जानी है फिर। चले अल्लाह ख्याल रखे। ठीक है, ये रिफा वालों ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ठीक है, एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज कर लिए हैं, सवाल जवाब करके मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दें। मैंने कहा क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यूज ऑनलाइन आप टिक कर लें, उसको क्लोज कर दें, जो आपने बाकी क्वेश्चन नोट कर लिए हैं वो मुझे उसके सोल्यूशन करके एक शीट पे रोल नंबर और नाम वगैरह लिख के इनबॉक्स कर दें मुझे। ओके ओके।
हालांकि एक दफा मैंने ना ग्रुप पूरे में मेंशन कर दिया है। चलें इसका फिर दूसरा पार्ट करके ना हम इसकी 5.3 पे आ जाएंगे डायरेक्ट, जो 5.3 है ना एक्सरसाइज, उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉरी होता है, उसी पे चलते हैं, इसको ऑप्टिमल। छोड़ें, हाँ उसी पे चलते हैं 5.3। 5.3 में बेसिकली सारा कुछ ही आ जाता है। और 5.3 ही आपकी एक्सरसाइज है जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है, उसमें ही वो आपने बताना होता है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आया, कौन से पॉइंट पे मिनिमम आया, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपने करना होता है उसमें ना एक्सरसाइज में। इसमें से आपको बताया है कि तकरीबन 12 के नंबर का आपका पेपर बनना है इनमें से, ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी, इनमें से 12 नंबर का पेपर मस्ट आना ही आना है। 5 नंबर का लॉन्ग होता है, एक एमसीक्यूज है और 3 के इनके शॉर्ट बन जाते हैं। अच्छा अभी डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग की हम कर रहे हैं डेफिनेशन। इसमें कहते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन आती है, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है ना, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। जैसे पूछते हैं ना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने नेक्स्ट फ्यूचर में क्या बनना है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, फिर आप एक गोल सेट करते हो, मतलब वो सारे के सारा उस पर करते हो। तो इसी तरह आपके ऑब्जेक्टिव इधर होते हैं, जिस फंक्शन को आपने करना होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसके बाद कोई हो रहा है मेरे ख्याल में, शायद हैंड रेज किया, किसी ने हैंड रेज किया था, क्या हुआ था, अभी उमर भी आ गए। अच्छा अभी उसके बाद हमारे पास इसमें होता है, एक पीछे डेफिनेशन आती है हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन होता है, एक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। फिजिबल रीजन की हमारे पास डेफिनेशन ये है, सच अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो हम पहले क्वाड्रेंट में ही लिखते हों उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। और ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, उसका हर पॉइंट जो होता है वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। और एट द एंड हमारे पास उसमें जितने भी कंसिस्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज होती हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहलाते हैं। जस्ट हमें पता होना चाहिए फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिजिबल रीजन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और उनके मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन सेट में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन जो आती है ना, इसमें वो 5.2 में शुरू स्टार्ट होती है ना, अब 5.3 कर रहे हैं। इसमें फिजिबल सॉल्यूशन का वर्ड आया था इसलिए वो बात की है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हमारे पास फिजिबल रीजन में आए तो वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब फिजिबल सॉल्यूशन मतलब फिजिबल सॉल्यूशन जो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है किसके, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में आती हैं दोनों, ये डेफिनेशन नोट कर लो। डेफिनेशन इसमें से आती है कॉर्नर पॉइंट की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन सेट। ये सारी की सारी डेफिनेशन पेपर में, पुराने पेपर जितने भी हैं आप उठा के देख लो,
हर पेपर में मतलब इनकी डेफिनेशन आई हुई है, और इनमें से एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन तो मस्ट होती होती हैं, आनी होती हैं लाजमी। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। ये आगे उसका थ्योरम है, कहता है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज। प्रोसीजर ऑफ डिटरमिनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करना है वो कैसे करना है। कहता है ग्राफ द, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ डिटरमिन फिजिबल रीजन। पहले फिजिबल रीजन हमने चेक कर लेना है। फिजिबल रीजन आपको बता दिया कौन सा आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द उसके कॉर्नर पॉइंट्स नोन करने। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे, लेट सपोज हमारे पास ये एक लाइन जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, थर्ड लाइन ये आ रही है। हमारे पास जो जो पॉइंट आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, दो लाइंस आपस को एक दूसरे को कट करेंगी, अगर तो वो बिल्कुल ऐसे होगी, इस पॉइंट पे होगी, तो उसका तो आंसर हम उसी टाइम फौरन दे सकते हैं। अगर हमारे पास वो इस लाइन पे मतलब नहीं है, थोड़ा सा हट गया, जैसे ये है, साइड पे आ जाएंगी, इधर कट करें आपस में, तो इनको मालूम करने के लिए उन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरा कहता है एवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और जो भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल वो आ जाता है 0 0, वो आ जाता है 0 5, वो आ जाता है हमारे पास 0 6 या 7 0 या 7 2, इस तरह के 4 5 जितने भी कॉर्नर पॉइंट उस फिजिबल रीजन में मालूम होंगे हमारे पास, तो उसको उसने दिया होगा एक फंक्शन, है ना, उसने जिस फंक्शन का हमने मतलब मालूम करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जिसको करना है ना हमने फंक्शन को, वो फंक्शन उसने दिया होगा इस तरह एफ ऑफ एक्स वाई, और साथ ही तरह फंक्शन लिखा होगा सारे का सारा, वो हमने फाइंड आउट करना है उसका। तो उसमें ये सारे कॉर्नर पॉइंट हम पुट करेंगे, और अगर तो उसने कहा होगा मैक्सिमाइज, तो हमने बता देना है ये फला फलां कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज है। अगर वो बोलेगा मिनिमम, तो हमने देख लिया है कि किस पे मिनिमम है, जस्ट इसमें ये करना है। अब इसके सवाल अली बता दो मुझे कौन कौन से हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मैक्सिमाइज वाला लिखवा देना और एक मिनिमाइज वाला लिखवा देना मुझे। अली उम्र आप ही बोल लो कौन सा सवाल करना है। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, पहला 6 सवाल है, 4 फिर पांचवा छोड़ के छठा, ठीक हो गया, मतलब पांचवा छोड़ के बाकी सारे हैं स्टेटमेंट वाले के अलावा। जी चले इसमें से हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैक्सिमाइज होगा जिस फंक्शन में और जिसमें मिनिमाइज होगा, और आई थिंक चौथा सवाल छोड़ना है हमने, पांचवा छोड़ना है, पांचवा छोड़ना बस। हाँ ठीक हो गया। अच्छा भी ये देखें, इसमें उसी तरह हमने क्या करना है, ये इस फंक्शन को, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। वो बोल रहा था ना कैसा सच्चा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, वो ये वाला फंक्शन था हमारे पास। अब उसने कॉन्स्टेंट हमारे कौन कौन से दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं पहला, दूसरा, आपको उस दिन लास्ट टाइम बताया था ये वाली स्टेटमेंट्स, जब भी ये आ गया x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो
तो इसका मतलब आप पे कंडीशन लग जानी है कि आपने इस लाइन से और इस लाइन से आगे पीछे नहीं मूव करना, मतलब जो भी ग्राफ है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में क्वाड्रेंट में होता है। और वैसे भी आपको पता है ये फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन आपको पता है फिजिबल रीजन हमेशा किस में रिस्ट्रिक्टेड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, बाकी हमने शेड नहीं करना, जस्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसको हमने शेड करना है। अच्छा अभी इसमें सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या बनगी, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स 0 रखा तो y का आंसर 4 बन जाएगा, तो x 0 y का आंसर 4, जब हम रखेंगे y 0 तो x का आंसर क्या बनेगा माइनस 8, ये पहले वाले के बन गई, पहली लाइन के बन गई। अब इधर से दूसरी लाइन के हमारे पास क्या बनेंगे, x 0 रखा तो y का आंसर माइनस 4, जब हम y 0 रखेंगे तो x का आंसर सिंपली 4। और ये जो चीजें थी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब इन लाइन दोनों लाइनों को हम ड्रा करते हैं इस ग्राफ पे, ये देखें इसके पहले के पॉइंट थे 0 4, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 एंड ये 4 आ गया, और दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा था इसका, -8 और 0, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसका 8 पॉइंट आ गया, -8 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के जरिए हमने अटैच कर दिया, वो लाइन बढ़ा दी हमने, सीधा आगे बढ़ा दी जो मूव करती जा रही है। अब हमने दूसरी लाइन ड्रा करनी है, दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी है, 0 -4 4 और 0, 0 -4 नीचे की तरफ 1 2 3 4, और जो है हमारे पास 4 0 वो ये हमारे पास ये आ जाएगा जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव और y 0, तो इन दोनों को भी एक लाइन के जरिए हमने अटैच कर दिया, सीधा बढ़ा दिया। अब हमने इनके चेक करने हैं कि टेस्ट करना है हमने इनको कि हमारे पास वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। दोनों में हम 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 < 8, और इसका भी जब 0 < 8, इसका मतलब दोनों ट्रू वैल्यू है हमारे पास, दोनों ट्रू फंक्शन है। जब ट्रू फंक्शन हो तो ग्राफ किसकी तरफ बनता है, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ ऐसे ग्राफ बनेगा, लेकिन हमने शेड कौन सा करना है, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और इसका किसकी तरफ बनेगा, इसका भी ओरिजिन की तरफ, लेकिन हमने शेड कौन सा करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। इन शॉर्ट हमने ये वाला शेड कर दिया, ये वाला शेड कर दिया। अब इसमें शेडिंग के बाद हमने देखा कि हमारे पास इसमें पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक पॉइंट तो ये आ रहा है कॉर्नर पॉइंट, दूसरा ये आ रहा है कॉर्नर पॉइंट, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है, और चौथा कॉर्नर पॉइंट ये भी आ रहा है, क्योंकि आपस को एक दूसरे को कट कर रही है, एक लाइन ऐसे नीचे आ रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो एक दूसरे को ये कट कर रही है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से बन गए, एक बन गया 0 4, दूसरा बन गया हमारे पास 4 0 4 एंड 0, तीसरा बन गया हमारे पास 0 एंड 0। 0 एंड 0 क्यों शामिल है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये लाइन भी आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। तो फोर्थ वन अब हमारे पास ये वाला है, वो कैसे हमने फाइंड आउट करना है, इन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इन दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्स की वैल्यू प्लस की है, इधर माइनस की है, इन दोनों क्वेश्चन को हम सिंपली ऐड कर देंगे। जब सिंपली ऐड करेंगे तो इधर से हमारे पास वाई का आंसर क्या रह जाएगा, वाई का आंसर आ जाएगा 12, और जब 12 इसमें पुट करेंगे वाई का आंसर, तो एक्स का आंसर बन जाएगा हमारे पास 16। चौथा हमारे पास जो आ गया इसका वो बन गया एक्स का आंसर क्या 16 और 12, आई थिंक यही बनता है, फिर भी एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं नीचे। ये मैंने डायरेक्ट निकाल ली है उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके, हाँ 16 और 12 भी है ये। तो जब काम हो गया, हाँ इसमें आती ही ज्यादातर डेफिनेशन है, एक आध ग्राफ आता है वो इतना ज्यादा इसमें डेफिनेशन दी है।
अब ये जो चार कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए थे, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, वो कॉर्नर पॉइंट थे हमारे पास 0-0, 4-0, 16, 12, 0-4. अब ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स हमने पुट करने हैं जो उसने स्टार्टिंग पे हमें दिया हुआ है. स्टार्टिंग पे उसने बताया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये बराबर है 2x प्लस 5y. अब ये देखें, x की जगह वहां भी हमने जीरो पुट करना है, y की जगह भी हमने जीरो पुट करना है, 0-0 पुट किया, आंसर 0. फिर x की जगह हमने 4 पुट किया, 2 4 8, 16 पुट किया और इसकी जगह 12 पुट किया, ये बन गया 32, 32 और 16 ये 92 आ गया, और ये बन गया 0 और 4 पुट किया 4-5 बार 20 आ गया. मतलब उस फंक्शन में जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो पुट करने हैं. कॉर्नर पॉइंट पुट करने के बाद हमने देखना है कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट मैक्सिमम आंसर किस में है. मैक्सिमम आंसर हमारे पास इस पोर्शन में आया है 92. 92 किस उसने दिया है कॉर्नर पॉइंट पे, 16 एंड 12 पे. तो एंड पे हमने लिख देना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एट द कॉर्नर पॉइंट 16 एंड 12, एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो आ रही है उसकी वो कौन सी आ गई है, 92. अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता यही सारा टर्म हमने क्वेश्चन प्लेन हमने यही यूज करना था सेटअप, अगर इसमें ही कहता मिनिमाइज करें इसी फंक्शन को, ये जो फंक्शन दिया है इसको ही मिनिमाइज करें, तो हमने देखना सबसे छोटा आंसर कौन सा है. सबसे छोटा आंसर बनना था फिर इसका 0, तो हमने उसके कॉर्नर पॉइंट डाल देने थे. फंक्शन इज मिनिमाइज हमारे पास किस पे है, इस कॉर्नर पॉइंट पे, और उसका आंसर कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, 0. अब इसका एक हम कर लेते हैं सॉल्व उसका क्वेश्चन भी ना, मिनिमाइज वाला क्वेश्चन नंबर 4 है या 6 है, कौन सा करना है. क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 6 करना है. चलें फिर मैं अपनी मर्जी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लेते हैं. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसने बता दिया हमें जिसको हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, मतलब चेक करना है जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये वाला. और ये आगे कॉन्स्टेंट हमारे पास, इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे. एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बन गई x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y इक्वल टू 35. अब इधर से जब हम पुट करेंगे, x 0 पुट किया तो y का आंसर 3, और जब y पुट करेंगे 0 तो x का आंसर 3. तो इसका मतलब पेयर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे 3-0-3 और 3-0. ये बन गया. ये बनने के बाद हमने देखना है इसमें दूसरा. अब दूसरे वाले में हमारे पास क्या है, दूसरे वाले में हमारे पास आ रहा है इधर 7x प्लस 5y इक्वल टू 35. जब इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे तो तब x का आंसर 5 आ जाएगा, 0 और 5. जब हम x को 0 पुट करेंगे तब y का आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा, 0 और 7. ये क्या, क्या हुआ सर, ये मैसेज आया मुझे इसकी समझ नहीं लगी. सही बायो के बच्चे आए हुए क्लास में, ये पता नहीं सर जेल बुखारी कौन है सर. सही उर्दू की टीचर है, उनका नाम नहीं कराया कोई. हाँ उर्दू वाले सर आए, कौन आया, क्या नाम क्या है उनका,
शर्जील ही है सर जी उनका भी नाम। हाँ ये लगता है नाम बदल गया है। चलो मूव कर देते हैं, गुड हो गया। तो सस है आज उर्दू वाले सर मैथ पढ़ने आ गए। चलो डिलीट कर दिया हमने। अच्छा अभी ये हमारे पास आ गया था 03। एक मिनट अभी इसकी ना, इधर से आ गया था हमारे पास 03 और 30। तो ये देखें 03 ये आ गया हमारे पास पॉइंट, और 30 ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इन दोनों को एक लाइन के जरिए मिला दिया, इस लाइन को हमने कह दिया नंबर 1 लाइन। इसी तरह हमने दूसरी लाइन जो थी 07 और 50, उनके भी पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए। ड्रा करने के बाद उनको भी एक लाइन के जरिए मिला दिया। मिलाने के बाद हमने देखना है कि ये दोनों फंक्शन क्या सेटिस्फाई करते हैं उनको। सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ना, इसमें से ये आता है ना। अब ये देखें, पहले वाला जो है 0 > 3 है, और दूसरे वाला हमारे पास 0 < 5 है और 35 है। दूसरे वाला ट्रू है, पहले वाला फॉल्स है। तो इसका मतलब पहले वाले का जो ग्राफ बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा, वो बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, और रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। और दूसरे वाले का ट्रू है तो वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब ये हमारे पास आ गया उसका शेडिड एरिया। अब इसमें हमें ये फायदा हो गया कि हमें कोई लाइन हमें एक्स्ट्रा मालूम नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कॉर्नर पॉइंट उसका ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, और चौथा ये। मतलब ये चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट ही एज अ कॉर्नर पॉइंट बिहेव करेंगे। अब ये कॉर्नर पॉइंट हमने कहाँ पुट करने हैं, यहाँ पे 2x + y में। 2x + y में जो उसने हमें कहा है कि इस फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स हम पुट करेंगे बारी बारी उसमें फंक्शन में। जब उस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमने देखना है कि मिनिमम आंसर किस पे दे रहा है। जिस पे मिनिमम आंसर देगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, और वही हमारे पास उसका कॉर्नर पॉइंट होगा। अब ये देखें, ए पॉइंट पे हमने चेक किया, इसमें पुट किया, एक आंसर हमारे पास था 30। 3 इसकी जगह पुट किया एक्स की जगह, और वाई की जगह 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 6। बी का आंसर हमारे पास था 50, तो एक्स की जगह हमने 5 पुट कर दिया, और ये आंसर आ गया 10। इसका आंसर था 07, ये बन गया 7। इसमें जब पुट करेंगे 0 और 7, ये 0 हो जाएगा, ये 7 रह जाएगा। फिर इसमें 0 और 3 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा। सबसे छोटा आंसर कौन सा है, 3 वाला, डी पे, ये वाले पॉइंट पे। तो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या थे, 0, 3, और मिनिमम वैल्यू उसकी क्या आ गई, 3। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अच्छा अभी ये तो चैप्टर चले अब हो गया वाइंड अप। इसमें से ये याद रखना है लाजमी के डेफिनेशन नहीं छोड़नी किसी भी सूरत में इस चैप्टर की, और प्लस इसमें आपने ये करना है कि 5.3 एक्सरसाइज आपने अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि जितने भी पास पेपर हैं सभी में से मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आए ना, मतलब 95% वो आते हैं इसमें से ही, 5.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन, 5.2 और 5.1 में से आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर जी, वो इसके बाद ना